कुछ बोले भी कि सर अब हम लोग का स्पेशल कोर्स होने की वजह से मेन स्ट्रीम से हट गए हैं। एक तो हो गया सब्स्टिट्यूशन, जब सिंगल प्रोवेट पिटिशनर है 222 के हिसाब से वो डेम एक्सक्यूटर है मर गया तो उसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, द केस विल डाई इट्स नेचुरल डेथ। तब पूछा जाता है कि रेमेडी क्या होगा, तो जो लीगेटी अंडर द विल है या जो बेनिफिशियरी अंडर द विल है उसको राइट है, वो तुरंत एलए फाइल कर सकता। दूसरी बात, अगर कोई प्रोवेट पिटीशन फाइल किया हुआ है और उसमें एक से ज्यादा एक्सक्यूटर है, अगर एक एक्सक्यूटर मर गए तो दूसरा एक्सक्यूटर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ऐसा भी केस आपको मिलेगा जिसमें कि एक से ज्यादा एक्सक्यूटर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्स्टिट्यूशन का कोई प्रावधान इंडियन सक्सेशन एक्ट में नहीं है और सीपीसी नहीं अप्लाई करता, ऑल द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी आर नॉट अप्लीकेबल, चूंकि इट इज ए पिटीशन, इट इज नॉट ए सूट। सूट जब होगा तब प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट होगा, तभी सूट फाइल होगा अकॉर्डिंग टू सीपीसी। ये सिंपल पिटीशन है और उसके लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर दिया हुआ है, और जो कोर्ट है प्रोवेट कोर्ट, इट इज ए डिजिग्नेटेड कोर्ट अंडर द एक्ट इटसेल्फ, इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अंडर बंगाल आगरा आसाम सिविल कोर्ट एक्ट, इसलिए डिफरेंस है। अब अगर एले का सवाल है, अगर एले है, हाँ हाँ नहीं नहीं देखिए, एक्सक्यूटर जस्ट लाइक ए पर्सनल राइट, टू पर्सन आर एक्सक्यूटर, हाँ हाँ। अब देखिए उसका कहाँ पर कंफ्यूजन, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट उपाध्याय जी, आप सुनिए ध्यान से। अगर ऐसा केस हो सकता है जो एक्सक्यूटर है वो लिगेटी भी है, और ऐसा भी केस होगा जो सिर्फ एक्सक्यूटर है लिगेटी नहीं, यानी कि विल से उसको कोई इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया गया। अगर उस आदमी का ड्यूअल कैपेसिटी है, जैसे दो एक्सक्यूटर है दोनों ज्वाइंट फाइल किया पिटीशन, और एक एक्सक्यूटर जो मर गया वो लिगेटी अंडर द विल है, तो राइट उसका पास कर जाता है। इसलिए कि ये भी रॉन्ग नोशन था पहले, बहुत बार क्लास में बताया, इसलिए आई थिंक आई टेक इट ग्रांटेड कि आप लोग सभी ये जान रहे हैं कि टाइटल पासेज ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ टेस्टेटर थ्रू द विल, एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन ग्रांट ऑफ प्रोवेट ऑफ एले। सब लोग अवेयर हैं, तो क्लियर है, पहले इसमें भी कन्फ्यूजन था। अब दूसरा सवाल कि अगर प्रोवेट पिटीशन में दो एक्सक्यूटर है, एक एक्सक्यूटर मर गए, तो कंडीशन दो है, अगर वो एक्सक्यूटर लिगेटी या बेनिफिशियरी अंडर द विल है तो उसका वारिस आ जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट पास कर गया। जब टेस्टेटर मरा तभी विल को इन्फोर्स किया जाएगा, टेस्टेटर पार्टी बना दे। नहीं नहीं, वो जब पिटीशनर ही रहेगा, नहीं एक्सक्यूटर होगा ना, नहीं तो एक एक्सक्यूटर है और दूसरा क्या है कि वो तो लिगेटिव ही तो है, इज ए ड्यूअल कैपेसिटी। देखिए आप टेक्निकलिटी पर नहीं जाइए कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, आपका प्रॉब्लम क्या है जो बोलिए वो। अगर सर लिगेटी है, प्रोवेट पिटीशन फाइल किया है और ग्रांट ऑफ प्रोवेट लिगेटी है और फिर से लग रहा है कोई बेनिफिशियरी भी है, तो अगर वो मर जाता है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, भले प्रोवेट पिटीशन के रूप में फाइल किया हो
हाँ ठीक है, ये सब पॉइंट सब डिसाइडेड है और कई बार हमने क्लास में भी बताया है और कुछ ऑफिसर लोग ने पूछ के ऐसा ऑर्डर भी किया। आपका पिटीशन जो है फाइल किया हुआ एज ए प्रोवेट और घर गवाही हो गया, बहुत सा केसेज में आर्गुमेंट के टाइम में पता चल रहा है या मेरे क्लास के बाद उनको मौका मिला देखने का उस एंगल से, पहले उस एंगल से नहीं देखे थे तो लगा ये तो प्रोवेट नहीं होगा तो क्या करें, डिसमिस कर देंगे। तो इसलिए एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया, वो हम बाद में सब जजमेंट लिखा देंगे। तो प्रिंसिपल जान लिए जो भी बोल रहे हैं सब ऑल लेटेस्ट एंड सेटल्ड लॉ है, कोई उसके कंट्ररी लॉ आपको नहीं मिलेगा और मिलेगा तो हमको बहुत खुशी होगी, हम भी कुछ सीख लेंगे। इसलिए उस पर अभी ध्यान नहीं दीजिए, जरूरत है तो सब रूलिंग हम आपको लिखा देते हैं, क्योंकि पुलंडा मेरे पास था हम लेते आए अब बहुत ज़्यादा पेज है सब कितना इतना टॉपिक है तो वो अलग अलग स्कैटर है, जब क्लास का कोई टॉपिक आया तो ऐसे कोशिश करेंगे अगर जेरोक्स हो जाएगा तो जेरोक्स भी करा देंगे, लंच में करा देंगे आपको दे देंगे। बहुत बार दिए तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, आप लोग सवाल भी समझ लीजिएगा, माइक दीजिएगा अगर सवाल करेंगे नहीं तो माइक दे दीजिएगा उधर, यहाँ माइक क्यों रखा हुआ है। एले के होना चाहिए लास्ट स्टेज में डिटेक्ट होता है, तो आप प्रोवेट पिटीशन है और ट्रीट हुआ थ्रू आउट प्रोवेट पिटीशन, लेकिन जब फाइनल आर्गुमेंट के समय ये डिटेक्ट हुआ या जजमेंट लिखने के समय डिटेक्ट हुआ तो उस समय ना उसको डिसमिस करना चाहिए ना कन्वर्ट करने का कोई आदेश देना चाहिए, वो एक दो लाइन का एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द विल इट अपीयर्स दैट देर इज नो अपॉइंटेड एक्सक्यूटर नॉट इट इज इम्प्लिसिट बाई द कॉन्टेंट्स दैट इम्प्लाइडली सम एक्सक्यूटर हैज बीन अपॉइंटेड, पिटिशनर इज ए लिगेटी अंडर द विल सो ही इज इंटाइटल्ड टू गेट ए लेटर ऑफ एडमिशन इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ दिस केस लेटर लेटर ऑफ एडमिशन बी ग्रांटेड इरेस्पेक्टिव। देखिए कोर्ट को अधिकार है आपके यहाँ कोई रिलीफ मांगने के लिए आया, पांच रिलीफ और दो रिलीफ के लिए इंटाइटल है, तीन के लिए नहीं तो आप रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा देखिएगा प्लीडिंग्स में हर प्लीडिंग्स में लिखा रहा था एनी अदर रिलीफ जिसको बोलते हैं इक्विटेबल रिलीफ ऑर्डर 7 रूल 7 CPC, जहाँ पर इक्विटी का क्वेश्चन है तो कोर्ट इज इंटाइटल टू ग्रांट इक्विटेबल रिलीफ। ऐसे जनरल प्रिंसिपल है कि जितना मांगा जाएगा उतना ही कोर्ट दिया जाएगा, वो इसलिए कि कोर्ट विल नॉट मेक आउट ए थर्ड केस, तो दोनों पार्टी का केस के दरमियान जो इश्यूज है उसको डिसाइड करके उसी के हिसाब से आप रिलीफ ग्रांट करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा क्योंकि उसमें देखिए पास कर जाता है इंटरेस्ट, इसलिए उसमें सब्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रॉब्लम है, सब्स्टिट्यूशन का कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्वेश्चन है आपका संदीप बाबू, हो गया आपका सब बोलिए। हाँ तो इसलिए शुरू में कुछ लोग रिजेक्ट कर रहे थे तो इनिशियल स्टेज में अगर उसी का जस्ट रिवर्स सिचुएशन है, हाँ कर रहे थे इनिशियल स्टेज में नहीं, वो ध्यान दीजिएगा इनिशियल स्टेज जैसे अभी प्रोवेट फाइल हुआ आपके यहाँ और आपके पास आ गया स्टैंप रिपोर्ट हुआ उसके बाद आ गया किसी पॉइंट पर आ गया ये एडमिशन के पॉइंट पर, आजकल तो सब चीज़ एडमिशन के पॉइंट पर आता है, तो एडमिशन के समय में आप अगर देख रहे हैं कि प्रोवेट नहीं होना चाहिए तो उसी स्टेज में आप डायरेक्शन दे दीजिएगा कि आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए यानी कि अमेंड कर दीजिए, ऐसे भी ओपन कोर्ट में विद परमिशन कलम से काट करके भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर आजकल तो कंप्यूटर में होता है रजिस्ट्री में फाइलिंग होता है रजिस्ट्रेशन के लिए तो डायरेक्शन देंगे वहाँ जाके लेट इट बी रजिस्टर्ड एफ्रेश एज ए लेटर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन केस। ये टेक्निकल जो आपका अभी सिविल कोर्ट रूल्स में आ गया कंप्यूटर वाला वो सब CIS वाला वो आप लोग को देखना है जहाँ जो प्रैक्टिस है, लेकिन ये किया जा सकता है इनिशियल स्टेज में आप उसको आदेश करके करेक्शन करवा सकते। बहुत से केसेज में क्या है वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं रहता, आपका ठीक अनुभव है और हमारा तो बहुत ज़्यादा अनुभव है, पूरे बिहार का केस मेरे पास आता है और आज के तारीख में ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम देख रहे हैं कि प्रोवेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एक तो प्लीडिंग्स ठीक नहीं रहता है, दूसरा बार बार क्लास में बताने के बावजूद भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि दे आर ट्रीटिंग द पिटीशन एज ए सूट,
प्लेंटिफ ने उसको प्लेंटिफ ट्रीट कर लेते हैं, वो प्लेंटिफ तो है नहीं, और अदर साइड जो आ जाता है वो आ करके पिटीशन फाइल करता है कि हमको डब्ल्यूएस देना है, एडजॉर्नमेंट हो जाता है 10 दिन 5 दिन के बाद या 10 एडजॉर्न के बाद वो रिटर्न स्टेटमेंट देता है एज इफ इट इज ए सूट। ये कहाँ से होगा, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, उनका तो बहुत कुछ कहेंगे जो अब एक प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ, केवल यही नहीं पार्टी बना सकता, कंप्यूटर में नोटिस जाता है, उसमें इनविटेशन को ऑब्जेक्शन है, वो फॉर्मेट जो इसमें जाना चाहिए साइटेशन का कि कम एंड सी वाला, ये बट नहीं होते स्पेशल साइटेशन, अदरवाइज इट विल बी प्रोसीड एज पार्टी, इस तरह का नोटिस जाता है। ठीक है, आप लोग कुछ लोग इसको देखे हैं और इसको कंसीडर कर रहे हैं या किए हैं, अच्छी बात है। जो लोग को मौका नहीं मिला है या इस पर जिनका ध्यान नहीं गया वो लोग ध्यान से सुन लीजिए, इस पर भी बहुत जरूरी, इसलिए कि इनवेरेबली ऐसा आ रहा है हाई कोर्ट में। अभी रिसेंटली 2 केस हमने फाइल किया है, उसमें ही प्रॉब्लम है, कोर्ट के नोटिस में लाने के बाद भी कोर्ट उसी तरह से ट्रीट कर रहा है आई जी फिट इज ए सूट। अगर कोई सूट में इनिशियल पिटीशन में इनिशियल स्टेज में आप देखते हैं प्रोवेट या एल ए का पिटिशन है, इनिशियल स्टेज में आप देखते हैं कि पार्टी बना हुआ है, 3 तरह का हमारे नोटिस में आया है, कहीं कहीं लोग वकील लोग जब जान गए हैं तो लोग स्टेट ऑफ बिहार को पार्टी बना देते हैं, और कहीं कहीं लोग जो डिसीज्ड है उसी को पार्टी बना देते हैं, कहीं कहीं डिफेंडेंट बना देते हैं प्लेंट की तरह। ये सब गलत है। इनिशियल स्टेज में अगर आप डिटेक्ट करते हैं एडमिशन के समय, तो आप उसी समय डायरेक्शन दीजिए कि इन लोग को हटा दीजिए आप। अब वो हटाने का तरीका क्या है, वो ओपन कोर्ट में आपके परमिशन से वो वकील साहब जो है ऑन रिकॉर्ड जिनका वकालतनामा है वो करेक्ट कर सकते हैं, आप परमिट कर सकते हैं, ये बहुत हाइपर टेक्निकल इसमें नहीं होना चाहिए। और अमेंड करने के लिए अगर पिटिशन वो देते हैं तो उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, वो किसी भी तरह से इनिशियल स्टेज में करेक्ट हो जाएगा तो वो कन्फ्यूजन पैदा नहीं करेगा। और कोई इसमें डिफेंडेंट नहीं होता है और न कोई प्लेंटिव होता है, सिर्फ पिटिशनर होता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सा डिसीज्ड है, या तो पिटिशन के ऊपर में लिखा रहता है इन द स्टेट ऑफ सो एंड सो डिसीज्ड या इन द गुड्स ऑफ सो एंड सो, या पिटिशन द हम्बुल पिटिशन ऑन बिहाफ ऑफ सो एंड सो इन द स्टेट ऑफ, कहीं भी रेफरेंस के लिए जानने के लिए रहता है कि कौन सा टेस्टेटर था जो डिसीज हुआ और उसके विल के आधार पर ये पिटिशन फाइल हुआ। अगर वो पिटिशन एडमिट हो जाता है तो सबसे पहला स्टेप है इश्यूएंस ऑफ साइटेशन। क्या नहीं रहता है, देखिए हाँ ये सब गड़बड़ी है, आप उसको फिर से हर गाड़ी में बैक गियर होता है और डिनोवो ट्रायल का भी प्रावधान है, जो ट्रायल डिनोवो हो सकता है जिस स्टेज में पता चले उस समय आप रिवर्स गियर में गाड़ी चलाइए, उस पर डिपेंड, ऐसा नहीं है कि वहां से जो आ गया वो आपके ऊपर बाइंडिंग हो गया अगर वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। अगर कोई जुडिशियल ऑर्डर है तो आप उसको जो सेटल्ड प्रिंसिपल है कि आप उसको रिव्यू में अगर आता है तो रिव्यू कर सकते हैं, अगर साइटेशन रहेगा तो रिवोक हो जाएगा इसी ग्राउंड पर। हाँ, रिवोकेशन में जाके देखिए सेक्शन 264 में, तो रिवोकेशन का वन ऑफ द मेन ग्राउंड है नॉन साइटेशन। अब क्वेश्चन है इसमें 2, अगर कोई पार्टी नहीं है तो 276 को गौर से पढ़िएगा, 278 को, दोनों को। 276 में दिया हुआ है रिक्वायरमेंट की पिटीशन में क्या क्या चीज लिखना चाहिए, जैसे नेम ऑफ द टेस्टेटर, डेट ऑफ डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ डेथ, लास्ट अवॉर्ड, प्रॉपर्टी पजेस्ट बाई द टेस्टेटर, ये सब उसमें लिखा हुआ है, ये सब जरूरी दे रहा है। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नियर रिलेटिव का एड्रेस फर्निश करना है, 276 में नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी 278 में है, उसमें नियर रिलेटिव्स, नियर रिलेटिव का कंसेप्ट है, तो जो ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग है नियर रिलेटिव का वही नियर रिलेटिव हुआ। अगर
टेस्टेटर का अपना कोई बाल बच्चा नहीं है और किसी दूसरे को वो विल लिखा है, तो उसके अलावे जो लेफ्ट ओवर है लिगेटी के अलावे जो बचा हुआ है उसका, तो ये कैसे पता चलेगा? कोर्ट को तो पता नहीं चलेगा। इसलिए बना दिया गया कि वहाँ पर विल तो है नहीं, अब कोई भी व्यक्ति बिना विल के 278 में एले के लिए आता है तो वहाँ पर मैंडेटरी है, यहाँ पर 276 में मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर, लेकिन प्रैक्टिस में आ गया है कि देते हैं, इवन कि हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस में आ गया है, जबकि हाई कोर्ट ने रूल्स अपना फ्रेम किया उसमें सारा स्पेसिफिक और डिटेल प्रोसीजर है। तो इसको हम लोग बताते हैं और बहुत लोग एडॉप्ट भी आप लोग कर रहे हैं कि 276 में और अवेयरनेस आया है। मेरे ख्याल से मेरा जो यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर सब अपलोड हुआ उससे भी बहुत अवेयरनेस आया, बहुत लोग फीडबैक देते हैं, तो अब सुधार आ रहा है। प्लीडिंग्स भी आप पहले जो वकील का दिए होंगे और बाद में देखिएगा मनोज जी तो जरूर डिफरेंस पाइएगा। तो एक तो आपको कोर्ट करके ये मूव किया, हां इन्होंने जो है हमको डायरेक्शन दे दिया कि इसको बदल लीजिए एलए में, हां इसी ग्राम आपको कोर्ट करके के कमेंट में एलए में कोई फर्क नहीं है, उनके YouTube में ये लिखा हुआ है, ये कोई डायरेक्शन गलत दे दिया है, ये हमारा ट्रांसफर कर। तो ये कह रहे कि अवेयरनेस आया है तो अब गलतियां कम होगी वकीलों के स्तर से। एलए में कौन कौन रहेगा सर? नियर नहीं है सर, अदर रिलेटिव। अदर रिलेटिव जो भी हो, फैमिली और अदर रिलेटिव। हाँ, तो वो रिलेटिव जो भी वो देगा आपको क्या पता है, वो सक्सेसर का वो उसके ऊपर है, उसके विजडम के ऊपर। अब बता रहे हैं, अब नेक्स्ट स्टेप पर आ रहे हैं, दोनों का डिस्टिंक्शन समझ गए। 276 में नियर रिलेटिव नहीं देता है, लेकिन अगर दिया है तो कोर्ट को भी सुविधा है और अच्छा है। अगर रिलेटिव्स का नाम दिया हुआ है तब साइटेशन दो तरह का होता है, एक स्पेशल साइटेशन एक जनरल साइटेशन। तो अगर नाम दिया हुआ यही सुविधा है, अगर नियर रिलेटिव्स का नाम दिया, हो सकता है कि गलत नाम दे दिया, हो सकता है चार रिलेटिव में से दो ही का दिया हो, दैट इज इमेटेरियल। किसी का भी दिया हो तो वो जब आएगा ऑब्जेक्ट करेगा तो बाकी का वो डिस्क्लोज कर देगा, इसलिए वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो नियर रिलेटिव्स का नाम अगर है दिया हुआ तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, उसको हटाने की आवश्यकता नहीं। तो जैसे ही आपका पिटीशन ऑर्डर में है, पिटीशन में ऑर्डर में देखने के लिए क्या है, आजकल तो वैल्यू बढ़ गया प्रॉपर्टी का, तो जो ड्यूटी लगता है स्टेट ड्यूटी कोर्ट फीस के रूप में वो मैक्सिमम 30,000 है, वो टू से काफ़ी साल से 7-8 साल से वही चला रहा है, इसलिए कि हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। एक्चुअली वो 3 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, लेकिन 30,000 पर ही अभी फाइल हो रहा है और जब तक वो मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग रहेगा वो अभी 3 लाख अप्लाई नहीं करता। तो जनरली वैल्यू ज़्यादा है तो लोग मैक्सिमम स्टेट ड्यूटी कोर्ट फी के रूप में 30,000 जमा ही कर देते हैं। तो उससे ये फायदा है कि आपको रेवेन्यू ऑफिसर से यानी कि डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर से मांगा जाता है और हाई कोर्ट में चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू ऑफिसर जो स्टेट का हेड होता है उससे मांगा जाता है रिपोर्ट, वो वैल्यूएशन पर्पस के लिए, इन ऑर्डर टू डिसाइड द अमाउंट पेएबल एज ए स्टेट ड्यूटी उसके लिए। तो वो सिंप्लीफाइड हो गया। अगर पिटीशन प्रॉपरली वेरीफाइड है, सपोर्टेड विथ एफिडेविट है, वकालतनामा ड्यूली एक्सक्यूटेड है, विल की कॉपी फाइल है, स्टेट ड्यूटी दिया हुआ है, तो पिटीशन एडमिट हो जाएगा। एडमिट हो जाएगा तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा इश्यूएंस ऑफ साइटेशन। साइटेशन का जो प्रावधान है उसमें साइटेशन होगा। अगर रिलेटिव्स का नाम दिया हुआ है तो रिलेटिव्स के अगेंस्ट में जनरल साइटेशन के साथ साथ स्पेशल साइटेशन जाएगा, यानी कि बाई नेम उनको जाएगा विद रजिस्टर्ड कवर। अब साइटेशन या तो स्पेशल हो या जनरल हो, अगर सर्व हो गया, जैसा कि मनोज जी ने कहा कि कंटेंट्स, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, वकील लोग नहीं ध्यान देते हैं और कई बार हम बताए हैं सिविल का क्लास में, राजकुमार जी शुरू में बताए थे, फॉर्मेट वगैरह भी दिखाए थे कि जो भी फॉर्म यूज हो रहा है सीपीसी में जो प्रेस्क्राइब हो वो नहीं हो रहा है। ये 25-30 साल से सिविल कोर्ट में जो भी फॉर्म मिलता है वो सब फॉर्म लोकल स्टैम्प वेंडर लोग छपा लेता है, गवर्नमेंट सप्लाई बंद है, गवर्नमेंट के तरफ से अब इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है और जो कंटेंट्स है वो धीरे 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 करके डिफॉर्म हो करके एकदम गलत आ गया। एक सेंटेंस आप पढ़ के नहीं समझते हैं क्या लिखा हुआ है।
वो कोई उसका प्रूफ रीडिंग नहीं करता है, वो नमूना दे देता है, वहाँ पर कंपोजिटर वगैरह जो भी है देखता है तो उसको उसी कर देता है। एक तो वो सीपीसी में भी अगर वैसा समन्स जाएगा और एक्सपार्टी डिग्री सेटिसाइड हो जाएगा, क्योंकि समन्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता। और इस केस में तो वो सीपीसी का कोई समन्स लागू नहीं होगा। साइटेशन के लिए फॉर्मेट बना करके लोग देते हैं, वकील लोग देते हैं, और साइटेशन में कॉन्टेंट यही रहता है कि सो एंड सो हैज प्रेजेंटेड ए पिटीशन फॉर ग्रांट ऑफ प्रोबेट इन रेस्पेक्ट ऑफ द बिल एक्सक्यूटेड बाई सो एंड सो, यू आर हियर बाई कॉल्ड अपॉन टू सी एंड वॉच द प्रोसीडिंग, इतना ही रहता है। उसका सभी सिसदार के पास उसका कंटेंट्स लोअर कोर्ट में इतना मिल जाएगा, वो गलत है। लोग खोजते नहीं है, वकील लोग नए लोग खास करके अपना सिंपल वही लगा देते हैं। तो जैसे ही वो समन्स आपको फाइल होता है तो आप उनको डायरेक्शन दीजिए कि प्रॉपर फॉर्मेट में दीजिए साइटेशन। ये सब हंसी मजाक का विषय हो सकता है या लॉजिक हो सकता है। यहाँ पर हम लोगों को कानून के हिसाब से चलना है, कानून के हिसाब से आपको चलना है। एज ए जज यू हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। वकील लोग तो तरह तरह की बात बोलते हैं, बोलते हैं तो आप उसको इग्नोर कीजिए, या अगर अगर लिख करके कुछ देते हैं या प्रेयर करते हैं तो आप बाई जुडिशियल ऑर्डर ओवर रूल कीजिए। ये तो आपके कलम में ताकत है, आप कर सकते हैं। सर एक काम बता दीजिए, कोर्ट भी जमा होती थी इसी हाल में, ये जुडिशियल में जमा होगी कि नॉन जुडिशियल शामिल? जुडिशियल मतलब नजारत के पास जमा होगा। वो नजारत से होता है, वो नजारत वाले लोग लाते हैं, वो उसी पर सर्टिफिकेट मिलता है, उनको मालूम है उसके आपके। नहीं, नजारत में जमा कर देगा वो तो फाइनल में मंगाएंगे। हाँ तो वो जिस पर सर्टिफिकेट मिलता है वो है कोर्ट फी एक्ट में, लेकिन वो स्टैंप भराता है नॉन जुडिशियल। चलान चलान से जमा होता है। हाँ चलान से जमा होता है, नजारत में चलान वो आपको आपकी जरूरत नहीं हो जाने। अच्छा जानना चाहिए तो एक चूंकि सहरसा का प्रॉब्लम आया था अभी, सहरसा में कोई है यहाँ पर? सहरसा से कोई है? नहीं, सहरसा में शिव कुमार बाबू एडीजे थे, उनके कोर्ट में प्रॉब्लम हुआ। वो कोर्ट फी स्टैम्प 30,000 का इलेक्ट्रॉनिक वाला अभी जो निकल गया वो जमा कर दिया गया। तो बाद में उन्होंने, उनको डाउट हुआ तो हमसे फ़ोन पर बात हुई, हमने कहा कि नहीं वो जमा करने का तरीका गलत है, वो नजारत में जमा होगा और नाजिर फिर लाता है वहाँ से स्टैम्प निकाल करके, वो इंटरनल प्रोसेस है और उसी पर सर्टिफिकेट ग्रांट होता है। हाँ वो जैसे सेल डीड होता है ना नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर, उसी तरह से वो सर्टिफिकेट उसी पर ग्रांट होता, उसी पर टाइप कर दिया जाएगा, उसका फॉर्मेट होता उसी पर। और भी गलती होती है, बिहार शरीफ का एक केस मेरे पास आया था, उसमें क्या था, प्रोवेट के लिए पिटीशन फाइल किया जबकि प्रोवेट होने लायक नहीं था, होना चाहिए था एले, और जो सर्टिफिकेट इशू हुआ वो हो गया सक्सेशन सर्टिफिकेट। तीनों तीन तरह का सोच लीजिए। एक और सर इसमें, अभी उसको लेट मी फिनिश, उनका जो कहना है साइटेशन पर, तो साइटेशन पर आपको ये देखना है कि प्रॉपर कंटेंट्स में साइटेशन इशू हुआ है कि नहीं। अब साइटेशन जनरल साइटेशन आपको जाता है तो कई जगह उसका है प्रावधान, देखे हैं कौन सा सेक्शन है, 283 में प्रोविजन है कैसे सर्व होगा, उसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर दोबारा देना पड़ेगा उसमें, कोर्ट हाउस में और कंस्पिक्यूअस प्लेस में, ये सब में सब जगह उसको पब्लिश करना पड़ता है। बिहार में सर चिपका के काम चला लेते हो, पेपर पब्लिकेशन नहीं, नहीं ना खाली चिपका के काम, नहीं ना पेपर पब्लिकेशन होता ऐसा कैसे, इसमें देख 283 देखा जाएगा। हमारा इतना ही कहना है कि 283 का प्रोविजन हैज टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, और आपको जुडिशियल ऑर्डर पास करना पड़ेगा कि साइटेशन हैज बीन वैलिडली सर्व, इसलिए कि अगर आपका एक्सरसाइज जो होगा 2-1 साल के बाद अब ग्रांट करेंगे सर्टिफिकेट और साइटेशन अगर प्रॉपर नहीं हुआ, जस्ट लाइक ऑर्डर 9 रूल 13 में एक्सपार्टी डिग्री सेटिसाइड होता है ऑन द ग्राउंड दैट समन्स हैज नॉट बीन प्रॉपरली सर्व, तो प्रॉपर साइटेशन सर्विस नहीं हुआ इस ग्राउंड पर रिवोक हो जाएगा आपका ग्रांट। तो मिसयूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ एंड कोर्ट, और आपका भी टाइम एनर्जी बर्बाद हुआ, लिटिगेट को भी नुकसान हुआ, इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार एक नज़र देख लेना चाहिए, जब आवश्यकता हो तो सेक्शन को देख लेना चाहिए।
देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका कंप्लायंस हुआ कि नहीं। आपको बाई जुडिशियल ऑर्डर लिखना पड़ेगा कि साइटेशन हैज बीन वैलिडली सर्व, किस मोड से हुआ वो आपको देख करके, जब एक्सेप्ट कर लीजिएगा सर्विस तब फॉर एविडेंस जाएगा। अगर इसी बीच में साइटेशन के पहले या साइटेशन के बाद किसी भी व्यक्ति को अपोज करने का राइट है, इसलिए है कि जो जजमेंट होता है प्रोवेट कोर्ट का वो जजमेंट इन रेम होता है, इट इज वाइंडिंग अगेंस्ट होल वर्ल्ड, तो कोई भी आके उसको अपोज कर सकता है, लेकिन देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, एकदम मैंडेटरी है, जरूरी है, मैंडेटरी है, बिना कैवियट। यही हम बताने जा रहे हैं जिसमें आज भी बहुत गलती हो रही है, लगातार कई केस मेरे पास आए हैं, अभी भी लोग पिटीशन फाइल कर देते हैं कि हमको टाइम दिया जाए WS देना है, दैट पिटीशन इज नॉट में स्टेट में जिस दिन फाइल हुआ उसी दिन रिजेक्ट कर दी, समझ गए, वो एकदम इंटरटेनमेंट। वन हु वांट्स टू अपोज द ग्रांट हैज टू इंटर इनटू कैवियट, वो कैवियट CPC के 148 कैवियट और इसमें दोनों फर्क है, और कैवियट का फॉर्मेट भी इसी में दिया हुआ है शेड्यूल में, इंडियन सक्सेशन एक्ट के लास्ट में दिया हुआ। अब कैवियट के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट बातें समझनी है। कैवियट कौन दे सकता है? जो चाहता है कि हम ग्रांट को अपोज करें वो कैवियट दे सकता है, तो उसके लिए सर्टेन क्वालिफिकेशन है। अब जुडिशियरी में कौन आएगा उसके लिए भी सर्टेन कंडीशन है, लॉ डिग्री होना चाहिए, एग्जाम पास होना चाहिए तभी आएगा, तो उसी तरह से उसको एडमिशन मिलेगा टू कंटेस्ट थ्रू कैवियट, तो कैवियट में उसको दिखाना पड़ेगा कि कैविटेबल इंटरेस्ट क्या है, कैसे उसको कैविटेबल इंटरेस्ट है, तो वे कैवियट के साथ एक वर्ड आया कैविटेबल इंटरेस्ट, तो ये भी जानना समझना चाहिए कि कैविटेबल इंटरेस्ट क्या है। तो डिफरेंट जजमेंट से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिफाइन किया है, और उसका एसेंस यही है कि इफ एनी पर्सन हैज गॉट स्लाइटेस्ट और रिमोटेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी अंडर विल, आइदर थ्रू द विल और थ्रू द टेस्टेटर, इज सेड टू हैव कैविटेबल इंटरेस्ट। यानी कि अगर टेस्टेटर से उसको कोई अधिकार मिल रहा है या विल से कोई अधिकार मिल रहा है प्रेजेंट में, तो भी वो कैविटेबल इंटरेस्ट कहलाएगा। या अगर टेस्टेटर बिना विल लिखे हुए मर जाता, यानी कि इंटेस्टेट मर जाता, तो एज ए एयर और शेयरर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द पार्टी उसको कुछ इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में मिलता, या टेस्टेटर के शेयर या इंटरेस्ट में उसको इंटरेस्ट मिल जाता, आइदर प्रेजेंट और इन फ्यूचर, तब वैसे व्यक्ति को कहा जाएगा कि उसके पास कैविटेबल इंटरेस्ट है, और जब कैविटेबल इंटरेस्ट है तो ही इज एंटाइटल्ड टू लॉज कैवियट, द वर्ड हैज बीन यूज्ड लॉजिंग ए कैवियट, और तब वो कैवियट का फॉर्म एक दिया हुआ तो एक लाइन का है, वो बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है, इसलिए उसमें दिया गया एक लाइन का कि अगर कैवियट उस फॉर्म में देते हैं तो फैक्ट कहां से देंगे, तो फैक्ट्स ऑन एफिडेविट आप देंगे, क्योंकि कोर्ट हैज टू रिलाय अपॉन दोज फैक्ट्स, प्रामा फेसी एविडेंस तो बाद में आएगा। तो दोनों मिला करके हुआ कि कैवियट का कोई फॉर्म जो यूज करने के लिए दिया हुआ है वो फॉर्म इनकम्प्लीट है, उसमें एक लाइन है, वो लाइन रहना जरूरी है एफिडेविट के फॉर्म में। तो ऐसा कैवियट जिसमें कि फैक्ट्स भी हो सपोर्टेड विथ एफिडेविट भी हो, और कैवियट का जो फॉर्म यूज हुआ है सक्सेशन एक्ट में उस फॉर्म में जो एक लाइन यूज हुआ है वो लाइन भी उसमें दिया हुआ है, लेट नथिंग बी पास्ड इन एब्सेंस और विदाउट हियरिंग, इस तरह से उसमें लिखा हुआ है कि बगैर कैवियटर को सुने हुए इस केस में कोई आदेश पारित नहीं किया जाए, ऐसा फॉर्म में लिखा हुआ है। उस फॉर्म के अलावे तब कैविटेबल इंटरेस्ट के लिए उसको फैक्ट्स बताना पड़ेगा, और वो फैक्ट्स को कोर्ट उस पर प्राइवेसी रिलाई करेगा, तो वो दैट मस्ट बी वेरीफाइड एंड एफिडेविटेड, तो या तो वो पिटीशन के फॉर्म में दे और सपोर्टेड विथ सेपरेट एफिडेविट हो, या एफिडेविट के फॉर्म में दे, बोथ आर एक्सेप्टेबल। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है कि अगर आप कैवियट से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आप कैवियट को अलाउ करेंगे,
if caveat has been lodged properly in accordance with law and the court is satisfied that the caveator has got cavitable interest and is permitted to contest the grant, तब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देन नेक्स्ट स्टेप दो होगा. पहला तो वो पिटीशन जो है आपका प्रोवेट का वो कंटेंसस हो जाएगा, यानी कि इसमें कंटेंशन है. और जब कंटेंशन होगा तब पिटीशन से उसका स्वरूप बदल जाएगा, तब वो टेस्ट सूट में रजिस्टर्ड होगा. और जो पिटीशनर है वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्लेंटिफ के रूप में ट्रीट किया जाएगा और कैविएटर जो है वो डिफेंडेंट के रूप में ट्रीट किया जाएगा. तो उस जंक्शन पर कोर्ट को ये अधिकार है कहने का, या पिटिशनर जो कैविएटर है उसको ये अधिकार है प्रेयर करने का कि हमको अलग से सेपरेट प्लीडिंग्स देना है, ऑब्जेक्शन देना है. हाँ, वो अलग से जो ऑब्जेक्शन के रूप में देगा वो WS ट्रीट होगा. या जो उसने कैविएट में ही सारा फैक्ट्स कह दिया है और सारा फैक्ट्स को उसी पर रिलाई कर रहा है तो कोर्ट से सबमिट कर सकता है कि कैविएट, माई कैविएट मे बी ट्रीटेड एज माई ऑब्जेक्शन एंड रिटेन स्टेट. अगर कुछ डेवलप नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट उसको ऐड नहीं करना है, कोई नया प्ली नहीं लेना है, तो सेम कैविएट मे बी ट्रीटेड एज ए ऑब्जेक्शन कम रिटेन स्टेट. रिटेन स्टेटमेंट करके वर्ड नहीं है, तो चूंकि दी ट्रैपिंग्स चेंजेज डिवीजन बेंच जजमेंट पटना हाई कोर्ट कहता है कि इट इज नॉट ए सूट जब कंटेंसस हो जाएगा, बट इट हैज गॉट ट्रैपिंग्स ऑफ द सूट फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ एडजुडिकेटिंग द प्रोसीडिंग, कि समन्स आप कर सकते हैं, गवाही कैसे ले सकते हैं, तो जो सूट का प्रोसीजर है ट्रायल का, सिविल सूट का, उसी तरह से इसको इश्यूज को ट्रायल करेंगे. कैविएटर, कैविएटर जब कैविएट देगा तो नेचुरली जब वो कैविएट देगा जो पिटीशन को राइट टू ऑब्जेक्ट है, यही तो बता रहे हैं. इधर ध्यान दीजिए, जितना भी केस अभी है हमको बहुत सा केस के बारे में नोटिस है, और अभी दो केस मुजफ्फरपुर से भी कोई है आ जाए. मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर में हम एक प्रोवेट केस में आर्गुमेंट करने के लिए गए थे, 10 साल से चल रहा है, दोनों साइड के वकील वहाँ के सीनियर सिविल लॉयर है, किसी में कैविएट नहीं था. अब फाइनल आर्गुमेंट हम गए थे, दो प्रोवेट केस था और जस्ट लाइक सिविल सूट ट्रीट हो रहा है. अब क्लाइंट मेरे पास आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन हम करते हैं कि भाई कोई नया वकील का किया हुआ कि सीनियर लोग होता, सीनियर वकील लोग भी इस पर ध्यान देते हैं तो बड़ा इसमें गड़बड़ी देख रहे हैं. इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि द मोमेंट आपको जैसे लगे कि कैविएट नहीं फाइल हुआ है जिस स्टेज में, तो आप उसी समय उनको वार्न कर दीजिए. अगर बहुत 10 साल से पुराना केस है, हो सकता है उनका जेन्युइन कैविएटेबल इंटरेस्ट हो और वकील की गलती से, तो ऐसा भी लॉ है कि फॉर द फॉल्ट ऑफ लॉयर, इवन फॉर द फॉल्ट ऑफ कोर्ट, द क्लाइंट शुड नॉट बी पनिश. दोनों तरह का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल डिसाइड किया. अब जाने अनजाने वकील से गलती होगी तो क्लाइंट की तो कोई गलती नहीं है. मान लीजिए साइटेशन का प्रोसेस पीओ के सामने नहीं हुआ है, पहले हो गया और सिर्फ एक रिपोर्ट आ जाता है कि मैंने ये किया लेकिन बाद में पता चला, तो उसको तो उसी रिपोर्ट को ही मानना पड़ेगा कि वैलिड साइटेशन हो गया है. हम लोग इस समय से ट्राई करना शुरू करें. देखिए, अविनाश बाबू का बहुत अच्छा सवाल है कि पहले से प्रोसीडिंग, जैसा कि आपने भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ से आता है और सब स्टेप्स लिया रहता है, तो आपको फिर से उसको देखने का है. चूंकि कई बार हम बता चुके हैं, वंस यू आर इन सीजन ऑफ द मैटर, केस हैज बीन ट्रांसफर टू यू फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, फॉर दैट केस यू आर ए डिस्ट्रिक्ट जज एंड यू पजेस ऑल द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, यू विल हैव टू एक्ट एज डिस्ट्रिक्ट, बट यू विल नॉट सिट ओवर द ऑर्डर, एनी जुडिशियल ऑर्डर पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज. अब क्वेश्चन ये है कि साइटेशन का सवाल है, साइटेशन में अगर सर्विस प्रॉपर नहीं है, सब्सिक्वेंट स्टेज में अगर आप देखते हैं कि पहली दिन प्रॉपर सर्विस नहीं है, तो आप उसमें डायरेक्शन दे सकते हैं. हाँ, बैक गियर में जा सकते हैं, फ्रेश साइटेशन भी करवा सकते हैं, इसलिए कि वो लास्ट स्टेज में आपका ऑर्डर सब फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो जाएगा. अभी लॉकडाउन के पहले जनरल अपील था, सिविल अपील, सेकेंड अपील में गया का मैटर था, सिर्फ सर्विस
पेपर पब्लिकेशन करा दिया कि कितना कैजुअल होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से ऑर्डिनरी प्यून के द्वारा नहीं गया, स्टेट में पेपर पब्लिकेशन करा दिया गया, पेपर पब्लिकेशन के बाद वो एक्सपार्टी फर्स्ट अपील डिसाइड कर दिया। उस जजमेंट को हमने चैलेंज किया हाई कोर्ट में ऑन दैट ग्राउंड, नॉट विदाउट फाइलिंग सेकेंड अपील। तो बड़ा नया मैटर था हाई कोर्ट के सामने, तो हमने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट साइट किया था। वो कहा था कैजुअल वे में नहीं हो चाहिए, फर्स्टली दी कोर्ट हैज टू अप्लाई जुडिशियल माइंड। इसीलिए देखिएगा सीपीसी में ऑर्डर 9 रूल 6 में स्पेशल प्रोविजन बना हुआ है जुडिशियल ऑर्डर पास करने के लिए, एट दैट टाइम दी कोर्ट हैज टू पास ए जुडिशियल ऑर्डर। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैजुअल वे में पहले स्टैम्प ये ऑर्डिनरी प्रोसेस सर्वर जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट से जाएगा, ये फाइंडिंग देना होगा कि डिफेंडेंट हैज बीन इवेडिंग सर्विस एंड देयर इज नो वे आउट देन टू गेट इट पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर, इट इज ए सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। सिविल कोर्ट रूल्स कहता है ऑल एफर्ट्स शुड बी मेड टू गेट दी समन सर्व पर्सनली एज फार एज प्रैक्टिकेबल। तो उसके लाइट में आपको ऑर्डर पास करना पड़ेगा, इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू सर्व दी समन्स ऑन द डिफेंडेंट पर्सनली बिकॉज ही हैज बीन इवेडिंग द सर्विस ऑफ समन्स। तो प्रोसेस सर्वर प्यून लेके गया आपका नाजिर के यहाँ से, उसका रजिस्टर्ड पोस्ट लेकर के पोस्टल प्यून गया, नहीं मिला। तरह तरह का आजकल तो बहुत कंसर्स हो गया है, लिटिगेंट लोग डिले करने में बहुत तरह का हथकंडा अपनाता है। तो वैलिड सर्विस नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। तो अब तब एज ए सब्स्टिट्यूटेड सर्विस आप दो मोड है, पेपर पब्लिकेशन है या बाई बीट ऑफ ड्रम स्पेशल प्रोसेस सर्वर प्यून डिप्यूट करके वहां पर जाकर के बाई बीट और ड्रम सर्व करेगा। ये दोनों सब्स्टिट्यूटेड सर्विस है ऑर्डर 5 रूल 21 के हिसाब। तो ये देखना होगा। तो साइटेशन में भी अगर आपको लगता है कि वैलिड सर्विस नहीं है या ये रूटीन ऑर्डर होके चला आया है, जुडिशियल ऑर्डर नहीं है डिस्ट्रिक्ट जज साहब का, तो आप उसमें फ्रेश ऑर्डर कर सकते और उसको देखते हो इट अपीयर्स फ्रॉम द ऑर्डर डेटेड सो एंड सो इट अपीयर्स दैट द साइटेशन हैज नॉट बीन प्रॉपरली एट वैलिड सर्विस, द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू टेक स्टेप्स फॉर फ्रेश सर्विस। ये ज्यादा प्रॉपर है, ये ज्यादा प्रॉपर है। तो आप चाय के लिए आप लोग टाइम हो गया क्या? हाँ बीत रहा है, ठीक है। हाँ तो चाय के लिए तो हम आपके बीच में नहीं आएंगे, हमको समय का ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए कि जब अगर कोई डिस्कशन हो गया तो चलते रहता है।